हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से एक और अद्भुत एवं पौराणिक तीर्थ स्थल का दर्शन करवाने जा रहे हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ सांवलिया जी मंदिर की। भक्तों, सांवलिया जी नाम से प्रसिद्ध सांवलिया जी प्राकट्य स्थल मंदिर चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर 28 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर अपनी सुंदरता व विशेषताओं के कारण हजारों तीर्थयात्रियों के आकर्षण के केंद्र बने हैं। इन मंदिरों में हमेशा दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। भक्तों, श्री सांवलिया जी प्राकट्य स्थल नाम से प्रसिद्ध इस स्थान से सांवलिया सेठ की तीन मूर्तियों के प्राकट्य और उनके इतिहास को लेकर दो लोक कथाएं प्रसिद्ध हैं। भक्तों, सांवलिया जी से जुड़ी पहली लोक कथा के अनुसार वर्ष 1840 में भोला राम गुर्जर नाम के एक दूध वाले ने बांगुड़ गांव के छापर में भूमि के अंदर भगवान श्री कृष्ण की तीन दिव्य मूर्तियां दबी होने का सपना देखा। खुदाई के बाद सपने में देखी गई भगवान श्री कृष्ण की तीनों मूर्तियां प्रकट हुई। तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति को मंडफिया ले जाया गया, दूसरी को भादसोड़ा और तीसरी मूर्ति को बांगुड़ गांव के छापर में उसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया जहां तीनों मूर्तियां प्रकट हुई थी। मंडफिया, भादसोड़ा और छापर, तीनों स्थानों पर मंदिर बनाए गए। ये तीनों मंदिर परस्पर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये तीनों ही मंदिर सांवलिया जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। भक्तों, सांवलिया जी से जुड़ी दूसरी लोक कथा के अनुसार सांवलिया जी नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की तीनों मूर्तियां उन नागा साधुओं द्वारा आमंत्रित की गई थी जो सैकड़ों वर्ष पूर्व मुगल आक्रांताओं के डर से बांगुड़ गांव में समाधिस्थ हो गए थे। कालांतर जहां तीनों नागा साधु समाधिस्थ हुए थे, वहां बबूल का एक वृक्ष उगाया। सन 1840 में तत्कालीन मेवाड़ राज्य द्वारा उदयपुर से चित्तौड़ जाने के लिए कच्ची सड़क बनाई जा रही थी। बांगुड़ गांव में उगा वो बबूल का वृक्ष सड़क निर्माण में बाधक बन रहा था। जब उस बबूल के वृक्ष को काटकर उसकी जड़ें खोदी गईं, तो भगवान कृष्ण की सांवलिया स्वरूप में तीन मूर्तियां प्रकट हुई। इसलिए बांगुड़ के इस जगह को सांवलिया जी प्राकट्य स्थल नाम से जाना जाता है। भक्तों, सांवलिया जी प्राकट्य मंदिर में मंगला आरती सुबह 5 बजे, श्रृंगार आरती 8 बजे, बाल भोग आरती 11 बजे, मध्यान्ह शयन 12 बजे से 2 बजे, उत्थापन दोपहर 2 बजे, संध्या आरती सूर्यास्त के बाद और रात्रि शयन 11 बजे निर्धारित है। भक्तों, सांवलिया जी प्राकट्य मंदिर को सुबह 5 बजे मंगला आरती के साथ भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिया जाता है, जो दोपहर 12 से 2 छोड़कर रात्रि के 11 बजे तक खुला रहता है। भक्तों, सांवलिया मंदिर के शिलान्यास के पूर्व से ही यहां देव झूलनी एकादशी का उत्सव बहुत ही भव्यतापूर्ण ढंग से मनाया जाता है। इस अवसर पर यहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी, एकादशी व द्वादशी को 3 दिवसीय विशाल मेला लगता है। एकादशी के दिन भादसोड़ा व बांगुड़ से भगवान के बाल रूप की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें हजारों धर्म प्रेमी उल्लास के साथ भाग लेते हैं। दोनों शोभा यात्राएं प्राकट्य स्थल मंदिर पहुंचने के बाद एक विशाल जुलूस में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर भगवान का विशेष अभिषेक और पूजन किया जाता है। भक्तों, सांवलिया जी प्राकट्य मंदिर में दर्शनार्थियों व पर्यटकों के प्रवेश व दर्शन पूर्णतः निःशुल्क हैं, अर्थात कोई शुल्क नहीं है।
भक्तों सांवलिया जी मंदिर में हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, होली, फूल डोल महोत्सव, नवरात्रि, रामनवमी, हनुमान जयंती, हरियाली अमावस्या, ब्रह्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, जल झूलनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी, दीपावली और अन्नकूट आदि सभी त्योहार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। भक्तों प्रतिमाह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सांवलिया जी का दान पात्र अर्थात भंडार खोला जाता है और अगले दिन यानी अमावस्या को शाम को महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। भक्तों अगर आप सांवलिया जी मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। सर्दियों का मौसम इस शहर की यात्रा का सबसे अनुकूल समय है। भक्तों सांवलिया जी मंदिर के नजदीक रावत बाग सिंह का स्मारक, जयमल और कल्ला जी की छतरी, पत्ता जी की छतरी, तुलजा भवानी मंदिर, तोपखाना, भामा शाह की हवेली, बनवीर की दीवार, नौलखा भंडार, श्रृंगार चंवरी, कुंभा महल, फतेह प्रकाश महल संग्रहालय, सतबीस देवरी जैन मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और मीरा मंदिर, घी तेल की बावड़ी, जटाशंकर महादेव का मंदिर, विजय स्तंभ, महासती स्थल, समिधेश्वर मंदिर, गौमुख, खातण रानी का महल, भागसी, चतरंग तालाब, राजटीला, मृगवन, मोहर मगरी, गौरा बादल की हवेली, अद्भुत जी का मंदिर, भीमतल जलाशय और मंदिर, सूरज पोल दरवाजा, साईदास का स्मारक, कीर्ति स्तंभ, बाण माता और अन्नपूर्णा माता का मंदिर, राघव देव जी की छतरी, रतन सिंह के महल और जलाशय, कुकुड़ेश्वर कुंड आदि दर्शनीय स्थल हैं। यदि आप सैर सपाटा पसंद करते हैं तो इन स्थलों के पर्यटन का लुत्फ उठा सकते हैं। भक्तों अगर आप सांवलिया जी मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके यहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आपने सांवलिया जी मंदिर की यात्रा रेल द्वारा करने का निश्चय किया है तो आपके लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ है, जहां से सांवलिया जी मंदिर लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। आप रेलवे स्टेशन से ऑटो रिक्शा, टैक्सी या बस द्वारा आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। भक्तों अगर आपने सांवलिया जी मंदिर के लिए हवाई यात्रा करने का निश्चय किया है तो नजदीकी हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, जहां से आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी या बस का विकल्प चुनना होगा। भक्तों अगर आपने सांवलिया जी मंदिर जाने के लिए सड़क मार्ग चुना है तो उदयपुर का जुड़ाव सड़क द्वारा देश के सभी प्रमुख शहरों से है, अतः उदयपुर तक आप बस, टैक्सी, टूरिस्ट बस अथवा निजी वाहन द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों अगर आप भी सांवलिया जी मंदिर की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं और सांवलिया जी के दर्शन पूजन कर अपने मनोरथ पूर्ण करने के इच्छुक हैं तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।